हम सब लोगों ने कुल्फी खाई है और कुल्फी के साथ में हमें नमक का स्वाद भी आया। तो कभी सोचा है कि कुल्फी में नमक का स्वाद क्यों आता है? एक्चुअली कुल्फी बेचने वाला जो कुल्फी लेकर निकलता है उसे फ्रीज करने के लिए बर्फ का ही इस्तेमाल करना पड़ता है और बर्फ तो 0 डिग्री पर फ्रीज करती है, लेकिन कुल्फी को फ्रीज करने के लिए तो माइनस में टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए कुल्फी वाला नॉर्मल पानी के अंदर नमक मिलाकर यानी सॉल्ट मिलाकर उसे फ्रीज करता है। तो सॉल्ट प्लस वाटर के सोल्यूशन को फ्रीज करने के लिए 0 डिग्री नहीं बल्कि उससे भी कम यानी माइनस में टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अब क्योंकि नमक के पानी की बर्फ 0 डिग्री पर नहीं बल्कि माइनस टेम्परेचर पे फ्रीज हुई है, वो कुल्फी को भी अपने साथ में फ्रीज करके रख सकती है। एंड इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब आप सॉल्वेंट के अंदर मिलाओगे तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा।